मेरी बात समझो, मुझे आज भी एक चीज़ का घमंड है ना, मैं विधायक के साथ सांसद के साथ कभी फोटो नहीं खिंचाया। तो बाइक एकदम अच्छे से धुला रही है और भैया ना एक एक पार्ट एक एक जगह अच्छे से धो रहे हैं। देख रहे हैं कितनी अच्छे से धो रहे हैं। ये चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस। एक को सब्सक्राइब करिए, प्ले बटन जल्दी आएगा। जय श्री राम। यहाँ पे बैग है और यहाँ पे कपड़े हैं। ये अपना गमछा है, ये पैंट है, ये शर्ट है, ये भी पैंट है और ये भी शर्ट है। एक दो तीन चार पाँच। अभी ये इसमें भराएगा और कहाँ जा रहा है? धोने के लिए। कपड़े दे दिए हैं, चलते कूड़ा घाट सारा काम निपटाते हैं। आज इतना थके हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा थके हैं। आज चले गए थे वहाँ पे भी मुजरी मुजरी भी गए थे, काम निपटाए हैं। ये किस पे डालते हैं? यूट्यूब पे डालते हैं। भैया कह रहे हैं ना जब स्मार्ट लगेंगे तब। अरे स्मार्ट में समझ रहे हैं, कम से कम 10 करोड़ के मालिक बन जाएंगे तब डालेंगे। नहीं नहीं वो स्मार्ट नहीं, चेहरे वाले स्मार्ट, लड़कियां देख के लाइक करेंगे। हम तो सोच रहे थे हम ही हैं, भैया भी ले रहे हैं मजा देख रहे। अपने कपड़े यहाँ पे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ गिनते रहिएगा, अभी पहली गाड़ी गुजरी है, ये फर्स्ट है, अब सारा गुजरेगा। स्पीड कितना होगा ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 100+ है। 100 150 200 ऐसे तो चलेगा। 140 कंफर्म है? हाँ 150 मान लीजिए। बाकी सीएम का काफिला जा रहा है गोरखपुर एयरपोर्ट से। ये दूसरी है। तीन ये चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस। 25 गाड़ियाँ गई हैं। गया ना? तो सीएम का कपिला था गोरखपुर एयरपोर्ट से। जय श्री राम बोलना जरूरी होता है। जैसे ही गुजरे हैं लाइट ऑन हो गया। तो गुड मॉर्निंग, अभी हम हैं बैंक रोड पे और एक चीज़ दिखा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा खुद ही समझ। ये जितने भी कर्मचारी हैं ना सामने दिख रहे हैं, सबके सब प्राइवेट हैं। पढ़ाई करना है, डिग्री लाना, प्राइवेट जॉब करना। प्राइवेट जॉब में 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 यही सब है, प्राइवेट है। लेकिन बात ये ना अपडेट होना, प्राइवेट में ना अपडेट होना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट में अपडेट हो या ना हो सैलरी जरूर अपडेट हो जाती है। तो सीधी सी बात है, मेहनत करो आगे बढ़ो, जो रियल वाली पढ़ाई होती है ना उनको जॉब मिल जाएगा। लेकिन एक होती है रियल पढ़ाई, एक होती है डिग्री वाली पढ़ाई। तो अगर आप सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना तो फिर आपके पास नौकरी नहीं आएगा, लेकिन रियल वाली पढ़ाई करोगे ना तो नौकरी भी आएगा और पैसा भी आएगा। और हमारा कहना तो एक ही है कि भाई बिजनेस करो अच्छा पैसा आएगा, हम जो बिजनेस करते हैं उससे पैसा आता है। नहीं तो आज हम भी पीजीआर की नौकरी करते हैं, आज 1-2 लाख रुपया जो महीना कमा पा रहे हैं ना वो बिजनेस के थ्रू ही कमा पा रहे हैं। नहीं तो पीजीआर की गुलामी करते प्राइवेट नौकरी की तरफ, तो समझो। अभी घर जा रहे थे ना बैंक रोड से, तो बाइक कितना ज़्यादा गंदी हो चुकी है, उसको धुलवाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी भी है और आपको तो पता है गर्मी में हमारे बाइक में हमेशा फ्यूल भरा रहता है एंड टंकी फुल रहता है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गैस बन के टंकी उड़ ना जाए, तो बाइक जब जलेगी ना तो 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है टाइम टाइम से बाइक धुलाते रहिए और बाइक को चिल्ड रखिए, ठंड है तो आपकी बाइक जो है ना ब्लास्ट नहीं होगा।
बाकी मैं घर पे नहीं धोता हूँ, घर पे धोएंगे ना टाइम लगेगा, उस जिस तरफ से धोना चाहिए तो धो नहीं पाएंगे। भैया अंदर से भी मान रहे हैं पानी में, तो घर पे धोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अच्छे से धुला जाता है। अब जैसे कि हम धोएंगे फिर पानी का प्रेशर भी प्रभाव पड़ता है, और उतना प्रेशर हम दे नहीं पाएंगे घर पे। इस तरह का धोने के लिए ना घर पे मोटर बैठाना पड़ेगा। प्रेशर कितना बिगड़ा है, बहुत सारे घर के लोग बाइक धोते हैं कार भी धोते हैं, लेकिन भाई हमसे नहीं पार लगे घर को पानी बाइक कार धोना, ये धोना बाइक का 50 रुपये लेते हैं, कार का 200, 300, 400 ऐसे लेते हैं। कार का कितना है, 150 रुपया, मतलब अंदर का पूरा लेके, मतलब पूरा कंप्लीट 150 रुपया ऑन ड्यूटी, तो 150 रुपया, और बाइक का 150 और कार का 150 ऑन ड्यूटी। इसी कारण मैं घर पे नहीं देता हूँ, ठीक है। बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात होती है अच्छे से धोने और अच्छे से साफ करना। जो प्रेशर इस पर पड़ता है ना, वो प्रेशर हम कहाँ आप घर पे दे पाएंगे, लोटा से थोड़ी नहीं उठाएंगे, मतलब बल्कि जब पानी उठा है लोटा लोटा मार उसमें भाई नहीं दे पाएगा, इसीलिए घर पे ना दो जुलवाओ यहाँ पे। और अब सफाई चल रहा है, बड़ा करके पूछो। ये रहा रजिस्टर मेरा, जो महीने का हिसाब करते हैं, ये सारा डायरी पड़ा हुआ है, या नोटबुक है अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग कंपनी को आपको मिलेगा, अलग अलग कंपनी का सब कुछ मिलेगा, ठीक है, छोटा बड़ा हर कंपनी का मिलेगा। GoPro है जो आईडी प्रूफ रहती है, यहाँ पे अपना PC है, ठीक है, माउस है, ये भी माउस है, दोनों काम चलता है, वहाँ पे अपना रिकवरी है, सिक्योरिटी का, ठीक है, एक्स्ट्रा फोन है। और मैं अच्छी बता दूँ सीधी सी बात, एक बात, मैं कभी नेता के साथ ना फ़ोटो नहीं खिंचाता, और ना ही नेता को फॉलो करते हैं, और ना ही किसी अधिकारी को फॉलो करते हैं। मेरा सीधी सी सिद्धांत सिर्फ एक है, मैं काम करता हूँ और पैसा लेता हूँ, सिंपल चीज़ है। अब चाहे IAS हो, DM हो, सांसद हो, या प्रधान हो, या विधायक हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं काम करता हूँ पैसा लेता हूँ, सिंपल चीज़ है। और मैं आपको बता दूँ, ये नंबर है, ये हाईवे रजिस्टर है, इसमें हर चीज़ के, अगर मैं भूल चुक में कहीं चला गया भी, तो अगर मैं 10 साल के बाद भी आऊँगा ना, यहाँ सब रिकवरी मिल जाएगा मुझे, मतलब ये जो पढ़ेंगे उनको भी पता चल जाएगा मैं किसका काम किया था किसका नहीं किया था, हर एक चीज़ सब कुछ। बाकी आपको तो देखे हैं, तो मेरा सिद्धांत है काम करो पैसा लो, किसी पीछे भागने की ज़रूरत क्या है। सुबह उठो 4-5 बजे, फ्रेश हो, जिम जाओ, जिम नहीं जाते घर पे एक्सरसाइज कर लो भाई, हम ज्ञान नहीं फैल रहे हैं, हम रियल लाइफ की बात बता रहे हैं भाई, रियल लाइफ की बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद पढ़ाई करते हो पढ़ाई करो, अपना काम खुद का करो, प्राइवेट जॉब करते हो प्राइवेट जॉब करो, जब तक सेटल नहीं हो जाते तब तक तुम प्राइवेट जॉब करो, जीवन भर प्राइवेट जॉब करने के लिए तुम नहीं बने हो, इमरजेंसी के लिए प्राइवेट जॉब करते हैं 1-2-3 साल, उसके बाद से पैसा सेव करो, बिजनेस करो, आगे बढ़ो, पैसे इन्वेस्ट करो, जीवन भरने के लिए, मतलब जीवन भर करने के लिए ना प्राइवेट जॉब नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझो। मुझे आज भी एक चीज़ का घमंड है ना, मैं विधायक के साथ सांसद के साथ कभी फ़ोटो नहीं खिंचाया,